रूम है, ये जब बारिश होता है तो क्या पानी नहीं गिरता इसके अंदर? आता है ना पानी, तो इसको बनाते, आपका खुद का है ना ये, तो आप बनाओ ना इसको, ऐसा क्यों रखे हो? मतलब उसके ऊपर जो बस्ती है दोस्तों, घर देख रहे हैं ना, मतलब उस पहाड़ के ऊपर जो घर है और वहाँ पे लोग। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज ई ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं दारूखाना एरिया में, और आज हम यहां का दोस्तों कुछ आप लोग को दिखाने और रूम रेंट यहां का कैसा है। अगर आप कभी आते हैं तो आपको सीधा कैसे आना है आपको दोस्तों मैं बता दूँ। उतरना है रे रोड से आपको ईस्ट में आना है। ईस्ट में आने के बाद आपको रूम जो है ना, कितने में भाड़ा है, कैसा है, सब क्या मिलता है, चलिए यहाँ पर देखिए सामने हमारे रूम, और आपको चल के बात करते हैं, दिखाते हैं कितना जो कितना भाड़ा है, कितने लोग रह सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पहले तक नहीं रहेगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ का रूम रेंट और एक रूम में कितने लोग रहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं, देख सकते हैं ये है दारूखाना का एरिया, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसा कैसा ये है, देख सकते हैं दोनों तरफ झोपड़पट्टी है, और बहुत ही ख़तरनाक जो है ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, रूम जो है एकदम रोड पर है, और पानी का जो है, नहाने का धोने का सारा सिस्टम जो रूम पर, देखिए सामने ही है, तो आप देख सकते हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं, और भी हम चलते हैं दारूखाना, जहाँ पर एरिया दारूखाना का है, और आगे तक जाएँगे और आपको दिखाएँगे कि यहाँ का जो है और भी आगे कैसा लोग जो है यार, मतलब यहाँ पे मतलब कैसा, और भी झोपड़पट्टियाँ देख सकते हैं। मेरे जाने से मैं आगे जैसे जा रहा हूँ, बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ यहाँ पर हैं। तो फिलहाल अभी हम और आगे चलते हैं, देखते हैं कितना यहाँ पे झोपड़पट्टी है। देखिए दोस्तों, मेरे देख रहे हैं हम जिस तरफ से जा रहे हैं ना, इस तरफ से पूरा झोपड़पट्टी देख रहे हैं पूरा, तो देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर जो रहते हैं, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा रोड पर ही रहते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ का जो है पूरा एरिया कैसा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक के ऊपर एक रूम बनाया गया है, और जो है अभी देख सकते हैं यहाँ पे रास्ता भी है, पानी वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं यहाँ का पूरा नज़ारा कैसा है, पूरा सब सीन जो है, पूरा झोपड़पट्टी एक ऊपर एक जो बनाया गया है। तो फिलहाल अभी हमको और आगे जाना है, जहाँ पे दारूखाना का एरिया, मुझे ये दारूखाना एरिया ही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो भी लगाई गई है। तो फिलहाल अभी इस तरफ चलते हैं आगे और देखते हैं क्योंकि दारूखाना का जहाँ पूरा मेन एरिया है वो कैसा दिखता है। तो फिलहाल आप लोग वीडियो हमारे कंटिन्यू बने रहेगा, चलिए और चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, देख रहे हैं आप सामने, देख रहे हैं कितनी यहाँ पे ख़तरनाक जो है झोपड़पट्टियाँ हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे लोग जो है अपने एक तिरपाल डालकर यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों ये मुंबई का दारूखाना एरिया जो आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर रहते हैं, और कैसे यहाँ पर लोग जो है जब बारिश का टाइम होता है तो कैसे वो लोग अपना मैनेज करते हैं, आप देखिए। और मैं आज आपको पूरा यहाँ का एरिया दिखा रहा हूँ, कैसे आपको देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए रोड पर जो है घर है, और बाजू में देख सकते हैं कितना छोटा छोटा जो है ये लोग दुकान भी लगा के रखे हुए हैं, और उसी में रहते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है आप देख सकते। तो दोस्तों देख रहे हैं और आगे हम चल रहे हैं, अभी देखते हैं कितना बड़ा, मतलब कितनी दूर में जो ये झोपड़पट्टी आपको देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। और कोई मिलता है तो आपको बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रूम रेंट कैसा है, यहाँ पे कितने साल से रहते हैं, सब कुछ वो लोग बताएंगे। तो आप लोग वीडियो हमारे बने रहिए कंटिन्यू, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कचरा है सामने, और आगे चलेंगे देखते हैं। ये देखिए पूरे एरिया में जो है यहीं पर कचरा है, देखिए अंदर जो है देखते हैं टीना पत्थर का काम जी उधर चलता है, इधर देखिए इधर आगे जाएँगे और किसी से बात करते हैं और आपको दिखा। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो आंटी? और ये आप लोग कितना साल से रहते हैं यहाँ पे? अच्छा आंटी, आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? दोस्तों देखिए आंटी का रूम है, और ये इनका खुद का रूम है जो यहाँ पर रहती हैं। तो और मैं इनसे बातें करता हूँ और दिखाता हूँ, देख सकते हैं खुद का इनका रूम है। चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आज मच्छी पकड़ते हैं हम लोग? नहीं पकड़ते, उधर बोट आता है ना। अच्छा अच्छा, लेने जगह मतलब बनाने को होता है, लेने जाते हैं। तो चलिए उधर हम जा सकते हैं समुद्र पे? हां जा सकते हैं इधर से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बंद है अभी उधर जाने के लिए। नहीं, ऐसा देखने के लिए जा सकते हैं हम, अभी उधर गया तो बंद है। अच्छा आंटी ये बताइए, ये जो आपका रूम है, ये जब बारिश होता है तो क्या पानी नहीं गिरता इसके अंदर? आता है ना पानी, तो इसको बनाते, आपका खुद का है ना ये, तो आप बनाओ ना इसको, ऐसा क्यों रखे हो मतलब? लेकिन आप उसका जगह का भाड़ा नहीं भरते ना आप? अच्छा, अभी आपके नाम पे नहीं है, तो आपका एक खुद का पर आपके नाम पे नहीं है। अच्छा देना है इसको अभी,
अभी इसको तोड़ के बना सकते हो ना आप फिर से, कि अभी आप पहले इसको अपने आप नाम करवा लो फिर बनवाओ। अच्छा ये आप घर आप कैसा भी हो आंटी का? मम्मी आपका पढ़ाई करते यहाँ पे। तो आंटी पानी उन्हीं कैसे आते हैं यहाँ पे? पानी का क्या मतलब, नल है या फिर कैसे आता है पानी? नल है यहाँ पे, पाइप से पानी आता है। नल तो नल कहाँ है, मतलब वो टोटी से पानी आता है इधर से। रवि तो हट के देखिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे पानी कैसा आता है। और ये आंटी हैं काफ़ी मतलब एक से तीन तक पानी आता है, और काफ़ी आंटी मतलब अच्छी हैं बात करने में। तो हम लोग इधर वीडियो बनाने के लिए आए थे, तो चलिए अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपका घर भी है और देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ज़रूर हेल्प करिए अगर कभी आइए, ज़रूर आप लोग देखिए। और चलते फिर मिलते हैं आंटियाँ। ओके नमस्ते। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आंटी का घर है। तो दोस्तों ये है डाकिया रोड स्टेशन, जहाँ पर भी हम इस टाइम पर खड़े हुए हैं। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर जो है ट्रेनें जाती हैं, और नीचे देख सकते हैं ये हाईवे है, ऊपर से और ब्रिज है। और दोस्तों देख सकते हैं ऊपर आप देखेंगे ना, वहाँ पे एक गार्डन आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ऊपर बनाया गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक गार्डन है यहाँ पे ये, और उसके ऊपर जो बस्ती है दोस्तों, घर देख रहे हैं ना, मतलब उस पहाड़ के ऊपर जो घर है और वहाँ पे लोग जो रहते भी हैं, और एक गार्डन भी है, ऊपर घर है उसके नीचे ट्रेन जा रही है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये, और यहाँ का ये नज़ारा है। और देखिए बाजू में एक क्या बोलते हैं ये, इसका क्रिश्चियन का वो है। और ये व्यू देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ट्रेन जा रही है, और ये पूरा आप देख सकते हैं ऐसा करके, काफ़ी मतलब खूबसूरत देखने में लग रहा है। तो ये है उधर रास्ता, अभी हम लोग इधर से चल के आए हुए हैं। तो ये स्टेशन है, स्टेशन से जाएंगे, और आप देख सकते हैं बिल्डिंग है, और वो आप देख पा रहे हैं ऊपर से। तो हेलो फ्रेंड, तो दोस्तों मैंने आज आपको इस वीडियो में आपको दिखाया दारू खाने का पूरा एरिया, और कैसा यहाँ पर रूम रेंट है, कैसा लोग रहते हैं। मैंने आंटी से बात किया, इन्होंने बताया कि जो यहाँ का जो है दोस्तों कैसा मतलब रहने का है, एक लोग एक रूम में कितने लोग रहते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं कि दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।